आप सबको पूनम की तरफ से जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताएं और मैं एकदम फिट हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं प्याज लेके बैठी हूँ। आज आपको मैं प्याज से जुड़ी हुई एक ऐसी टिप बताऊंगी कि आज के बाद आप मेरे बताए हुए तरीके का ही इस्तेमाल करेंगे। हम सबको पता है कि प्याज हमारे किचन में कितनी जरूरी चीज है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं सब्जी बनाने में, प्याज के पराठे बनाने में, रायता बनाने में, सैलेड में, और वैसे भी हम सबको पता है कि गर्मियों में हमको प्याज खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्याज खाते हैं या फिर अपने पास में इस छोटी सी प्याज को रखते हैं तो लू नहीं लगती। वैसे भी आजकल स्कूल चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, तो आप इस तरह की एक छोटी गांठ अपने बच्चों के पॉकेट में जरूर डाल के रखें, इससे लू नहीं लगती। लेकिन आज मैं आपको एक और टिप बताऊंगी। तो देखिए, जब हम प्याज के पराठे या फिर प्याज की सब्जी, ग्रेवी या फिर हम रायता, ऐसी चीजें बनाते हैं ना, तो प्याज को काट के बनाते हैं। लेकिन हम उसी के साथ एक और गलती कर देते हैं, जब हम सैलेड बनाते हैं या फिर हम नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल करते हैं तब भी हम प्याज को काट लेते हैं। लेकिन हमको कभी भी प्याज काट के नहीं खानी चाहिए। आपको पता है हमारे जो पूर्वज थे तो वो कभी भी प्याज को काटते नहीं थे। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वजों के पास कोई हथियार नहीं थे प्याज को काटने के लिए। उनके पास चाकू, छुरी, कैंची, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, हर एक चीज रहते थे, लेकिन वो कभी भी प्याज को काट के नहीं खाते थे। वो क्या करते थे, वो इस तरह से प्याज लेते थे, आप केवल इस तरह से प्याज को मसल दीजिए, ये देखिए प्याज आराम से फट जाती है, ये देखिए। और जब आप प्याज को प्रेशर से ऐसे तोड़ेंगे ना तो ये प्याज का छिलका भी बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे ही हम प्याज को इस तरह से तोड़ेंगे ना तो ये प्याज के छिलके भी अलग हो जाएंगे और ये प्याज की परत भी अलग हो जाएगी। अब ये देखिए, इस तरह से आप प्याज को निकालिए, आराम से खा लीजिए। अभी मैं बताऊंगी कि प्याज को हमको काट के क्यों नहीं खाना चाहिए, बहुत नुकसान करती है अगर हम प्याज काट के खाते हैं। हमको प्याज को इसी तरह से तोड़ के खाना चाहिए। तो आप प्याज को इस तरह से आसानी से छील के, तो एक तरीका तो ये हो गया प्याज काटने का। तो दूसरा तरीका कौन सा है, हमको प्याज इस तरह से लेनी है, ऐसे रख देना है आपको ऐसे करके, और ये देखिए ये, तो ये छिलका भी बड़ी आसानी से उतर जाता है, ये देखिए। तो आपको इसी तरह, जब भी आप सलाद वगैरह खाते ना तो हमेशा हाथों की हेल्प से ही प्याज को तोड़ के खाना चाहिए, कभी भी चाकू से नहीं काटना चाहिए। और एक चीज है कि जैसे कि आपको यहाँ पर दो कलर की प्याज दिख रही है, एक मैंने ये ले लिया है व्हाइट प्याज और ये एकदम लाल लाल, अधिकतर यही मिलती है मार्केट में, लेकिन कई जगह ये प्याज भी मिलती है। तो हमें सलाद के लिए हमेशा लाल प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्याज आप लें तो सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करें, लेकिन सलाद के लिए ये बेस्ट प्याज है। तो अब मैं बताऊंगी कि प्याज हमें इस तरह से तोड़ के क्यों खाना है, इस प्याज को हमको चाकू से क्यों नहीं काटना है। क्योंकि चाकू होते हैं लोहे के, जो बहुत अच्छी कंपनी के हुए वो होते हैं स्टील के, नहीं तो जो स्टील के भी हमको बता के दिए जाते हैं ना उसमें भी लोहा मिक्स होता है। अब चाकू में होता है आयरन और प्याज में होता है सल्फर, तो जब आयरन के साथ सल्फर मिलेगा, क्योंकि इसको जब हम काटेंगे ना प्याज को तो प्याज से रस निकलता है, आपने देखा होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, जैसे ही मैं कट कर रही हूँ ना तो नाइफ में अच्छा सा गीला गीला लग रहा है, ये है प्याज का रसा। और प्याज के अंदर भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। अब जब आयरन और सल्फर एक साथ मिलेंगे तो ये हमारे शरीर में बनाएंगे तेजाब। और आपको पता ही है कि तेजाब हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है, आपने देखा होगा। जैसे भी कोई चाकू में, नाइफ में जंग लग जाती है, सरौती में, जो भी लोहे की चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप प्याज के रसा से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये चाकू के लिए तो घातक है ही, साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरे दुष्प्रभाव इसके होते हैं। तो जब भी आप सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो नाइफ से इसको कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाने के लिए प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर इसको चाकू से ना काटें, हाथ से तोड़ते हुए इसका इस्तेमाल करें। अब प्याज की एक और ऐसी चीज़ जिसको हमको बिल्कुल भी नहीं खाना, और जब हम हाथ से प्याज को तोड़ते हैं तो ये तुरंत निकल जाती है, जब हम नाइफ से काटते हैं तो ये चीज़ बाहर नहीं आती, और वो है प्याज की झिल्ली। ये देखिए, प्याज को जब हम हाथ से तोड़ेंगे ना तो इस तरह से प्याज के अंदर से झिल्ली अपने आप अलग हो जाएगी, क्योंकि प्याज में प्रेशर पड़ेगा और ये बहुत बारीक सी परत होती है, ये अपने आप अलग हो जाती है। तो जब भी आप प्याज का सलाद वगैरह खा रहे हैं ना तो इस झिल्ली को पहले आप अलग कर दें, तो ये आपको नुकसान नहीं देगी, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत घातक है, नुकसान करती है। तो ये देखिए, जो एकदम पतली सी प्याज की झिल्ली थी बड़ी आसानी से अलग हो गई, लेकिन ये उसी से अलग हुई है जिसको हमने हाथ से तोड़ा था,
और जिस प्याज को मैंने चाकू से काटा, यहाँ पर तो दिखाई भी नहीं दे रही कि इसमें कोई झिल्ली भी होती है, ये देखिए। तो जब हम सलाद को चाकू से काट के खाते हैं ना, तो ये झिल्ली भी खा जाते हैं जो हमें खानी नहीं चाहिए, निकाल के फेंक देनी चाहिए, लेकिन नाइफ से काटने के बाद ये झिल्ली दिखाई ही नहीं देती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी प्याज को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसको आप सलाद में खाइए या फिर सब्जी इसकी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही होती हैं, लेकिन आजकल हम जल्दी जल्दी में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे शरीर की बैंड बजा के रखे हुए हैं और हमको हमेशा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आज आपको मैंने प्याज के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको अच्छे समझ में आई होगी। और आज के बाद जब भी आप प्याज का सेवन करेंगे तो आप चाकू से न काटते हुए हाथ से तोड़ के ही प्याज खाएंगे। तो मैं आज के इस बहुत ही यूजफुल वीडियो को यहीं एंड करूंगी, आप सबसे विदा चाहूंगी। आप सब अपना ख्याल रखें, आप सबको जय श्री राधे।